टीम इंडिया के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह 2022 से 2023 के बीच अपनी इंजरी की वजह से एक साल तक क्रिकेट से दूर रहे। इसमें ना तो उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले और ना ही आईपीएल, लेकिन फिर भी इस एक साल में उन्होंने करीब 25 करोड़ रुपए की अर्निंग्स करी। इसी तरह ऋषभ पंत, जो अपने कार क्रैश की वजह से 2022 से लेकर अभी तक क्रिकेट से दूर रहे हैं, उन्होंने भी इस टाइम पीरियड में बिना कोई मैच खेले करीब 50 करोड़ की अर्निंग्स करी हैं। लेकिन आखिर कैसे? दरअसल इन प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिना खेले भी ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिर भी उसके बदले उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिल पाते। और कंट्रास्ट के लिए बताऊं तो क्रिकेट के रिचेस्ट प्लेयर विराट कोहली ने सिर्फ 2023 में करीब 200 करोड़ रुपए की अर्निंग्स करी। दोस्तों, एक क्रिकेटर की जिंदगी के जो फाइनेंशियल डायनेमिक्स हैं वो किसी भी दूसरे प्रोफेशन से बिल्कुल अलग है। किसी और प्रोफेशन की तरह यहाँ आपकी अर्निंग्स का ग्राफ आपके मिड 50s में नहीं बल्कि अर्ली 30s में ही पीक कर जाता है। और यहाँ कौन सा क्रिकेटर अगले सीजन में कितना कमाएगा ये उसे खुद भी नहीं पता होता। ये इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग है और आज इसी इकोनॉमी को डिकोड करेंगे और जानेंगे वो कुछ तरीके जिनसे क्रिकेटर्स मेक देयर मिलियंस। इंडियन टीम में खेलने वाले प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है क्रिकेट बोर्ड से आने वाली सैलरी से। जब भी कोई प्लेयर इंडियन टीम के लिए खेलता है तो BCCI उस प्लेयर को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है जिसमें उस प्लेयर की एक एनुअल इनकम फिक्स कर दी जाती है। टीम में प्लेयर के रोल और कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से BCCI अपने प्लेयर्स को 4 ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करती है, ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C। ग्रेड A+ वाले प्लेयर्स को ईयरली 7 करोड़ रुपीज दिए जाते हैं, ग्रेड A को 5 करोड़, ग्रेड B को 3 करोड़ और ग्रेड C को 1 करोड़। इस फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट के अलावा प्लेयर्स को अपने ग्रेड के हिसाब से हर मैच खेलने की एक फिक्स्ड मैच फीस भी मिलती है। ये फीस एक T20 मैच के लिए होती है 3 लाख रुपीस, ODI के लिए 6 लाख और सबसे ज्यादा टेस्ट के लिए जो होती है 15 लाख। तो एक प्लेयर जितने ज्यादा मैचेस खेलता है उसी हिसाब से उसकी ईयरली इनकम बढ़ती जाती है। तो ये वो इनकम है जो डायरेक्टली BCCI से इंडियन प्लेयर्स को मिलती है। अभी ग्रेड A+ में 4 प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ग्रेड A में हैं रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। ग्रेड B में हैं सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। और ग्रेड C में हैं करीब 15 प्लेयर्स जिनमें रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, रवि बिश्नोई और संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स के नाम शामिल हैं। BCCI से मिल रही इस इनकम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए रोहित शर्मा के एग्जाम्पल को देखते हैं। रोहित शर्मा A+ ग्रेड में आते हैं तो उन्हें पहले ईयरली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 7 करोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 2023 के सीजन में 14 टेस्ट मैचेस खेले तो 15 लाख पर टेस्ट मैच के हिसाब से ये हुए करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए। और फिर उन्होंने 26 ODI मैचेस भी खेले तो 6 लाख पर मैच के हिसाब से 24 ODI के होंगे अप्रॉक्स 1 करोड़ 56 लाख। लेकिन उन्होंने इस साल एक भी T20 नहीं खेला तो तीनों फॉर्मेट्स की मैच फीस से ही 2023 में रोहित शर्मा को करीब 3 करोड़ 66 लाख रुपीज मिले हैं। इसके अलावा उनके 7 करोड़ उनके ईयरली कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स्ड हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ BCCI से रोहित शर्मा ने 2023 में करीब 10 करोड़ 75 लाख रुपए की अर्निंग्स करी। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में हर क्रिकेटर के लिए ये डेटा अलग अलग होता है। विराट कोहली का एग्जांपल देखें तो 2023 में कोहली ने 12 टेस्ट मैचेस और 24 ODI मैचेस खेले और उन्होंने एक भी T20 नहीं खेला तो उनकी पर मैच सैलरी का टोटल होगा 3 करोड़ 22 लाख और साथ में उनके A+ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट के ईयरली 7 करोड़। तो कोहली ने 2023 में कुल मिलाकर BCCI से ही 10 करोड़ 22 लाख की इनकम जनरेट करी। जैसे ऑन दी अदर हैंड शिखर धवन की बात करें तो वो ग्रेड C में आते हैं और उन्हें बेसिक पे के 1 करोड़ तो मिलेंगे, लेकिन क्योंकि पिछले एक साल में उन्होंने टीम इंडिया के लिए एक भी मैच नहीं खेला तो उन्हें अपने बेसिक पे से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह ऋषभ पंत को 2023 में बिना कोई मैच खेले अपने कॉन्ट्रैक्ट के 3 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा BCCI का एक बोनस प्रोग्राम भी है जहां बैट्समैन को सेंचुरी लगाने पर 5 लाख रुपए मिलते हैं, डबल सेंचुरी लगाने पर 7 लाख रुपए, बॉलर्स को 5 विकेट हॉल के लिए 5 लाख और टेस्ट में 10 विकेट हॉल के लिए 7 लाख रुपीज प्लेयर को दिए जाते हैं। अब इस पॉइंट को कंसिडर करें तो कोहली ने 2023 में 8 सेंचुरीज लगाई तो इससे उन्हें 40 लाख रुपीज का बोनस मिला। रोहित शर्मा ने 4 सेंचुरीज लगाई तो उनका बोनस हुआ 20 लाख रुपीज। इसके अलावा अब अगर दूसरे प्लेयर्स की एनुअल सैलरीज पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को ईयरली 500,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स से लेकर करीब 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के बीच पे करता है, जहां पैट कमिंस की हाईएस्ट एनुअल सैलरी है जो है 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यानी कि करीब 10 करोड़ इंडियन रुपीस। वहीं कॉन्ट्रास्ट के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को ईयरली 17 लाख रुपए से लेकर करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए के बीच पे करता है। इंग्लैंड के प्लेयर्स में जो रूट, बेन स्टोक्स और जॉस बटलर जैसे खिलाड़ियों का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है जहां उन्हें ईयरली 900,000 यूरोज दिए जाते हैं जो इंडियन करेंसी में हुए करीब 8 करोड़ रुपए। इसमें ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को सबसे ज्यादा पे करते हैं क्योंकि इन्हीं देशों के मैचेस से सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। ये सैलरीज इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए बहुत ल्यूक्रेटिव हैं,
लेकिन एक बात बताऊं तो सैलरीज इस पूरी क्रिकेटर इकोनॉमी का सबसे छोटा पार्ट है। नंबर टू, फ्रेंचाइजी लीग्स। क्रिकेट इकोनॉमी का एक और बड़ा जो फाइनेंशियल सोर्स है वो है फ्रेंचाइजी लीग्स। पहले तो फ्रेंचाइजी लीग्स इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी, लेकिन आज की तारीख में इन्हें क्रिकेट का किंग पिन कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई इंटरनेशनल प्लेयर्स इन फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलने के लिए अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स तक को छोड़ देते हैं। आज की तारीख में हम ये रियलाइज नहीं करते, लेकिन क्रिकेट लीग्स एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बन चुकी हैं। ये बिजनेस कितना बड़ा है आपको नंबर्स देखकर समझ आ जाएगा। IPL जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, आज इसकी वैल्यू करीब $10 बिलियन है। इतने में स्टार्टअप कल्चर के 10 यूनिकॉर्न्स खड़े किए जा सकते हैं। क्रिकेटर्स IPL का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, इसलिए वो जितना पूरे साल खेलकर नहीं कमा पाते होंगे उससे ज्यादा IPL के 45 दिन के शेड्यूल से अन कर लेते हैं। फ्रेंचाइजी लीग्स का नेचर काफी कॉम्पिटेटिव भी रहता है, जहां प्लेयर के पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की वजह से उसके सितारे चमक सकते हैं, और इसमें कई बार प्लेयर्स की अर्निंग्स का ग्राफ बहुत एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ता है। IPL के सबसे पहले सीजन में MS धोनी सबसे महंगी परचेज थे, जहां CSK ने करीब 6 करोड़ रुपीज में उन्हें अपनी टीम में लिया था, और हर सीजन के साथ उनकी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट बढ़ती गई, जहां आज MS धोनी को CSK से ईयरली करीब 12 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा 2011 में KKR ने गौतम गंभीर को 14.9 करोड़ में खरीदा और वो सीजन के हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर बन गए। इसी तरह युवराज सिंह को भी IPL के ईयरली कॉन्ट्रैक्ट से बहुत फायदा हुआ है, जहां RCB ने 2014 में उन्हें 14 करोड़ में खरीदा, और फिर अगले ही सीजन दिल्ली डेयरडेविल्स ने युवराज सिंह के लिए 16 करोड़ की बिड लगाकर उन्हें अपनी टीम में ले लिया। दोस्तों, लेकिन एक सच ये भी है कि 2016 के बाद से ऑलमोस्ट हर सीजन में IPL ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर्स इंडियंस नहीं बल्कि फॉरेनर्स बन रहे हैं। रिसेंटली 2024 के IPL के लिए टॉप 3 सबसे महंगे प्लेयर्स ओवरसीज प्लेयर्स हैं, जहां पैट कमिंस को 20.5 करोड़ और मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीदा गया। यही बात इस डिबेट को भी स्पार्क देती है कि भला IPL की शुरुआत इंडियन प्लेयर्स का भला करने के लिए हुई थी या फिर फॉरेन प्लेयर्स की एनुअल इनकम बढ़ाने के लिए। इसमें आपका क्या ओपिनियन है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा वैसे IPL इंडिया के अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। इंडिया में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन इंडियन टीम में ना होने की वजह से उनकी कुछ खास अर्निंग्स नहीं हो पाती थी, लेकिन IPL के होने से अब इन सब प्लेयर्स को मौका मिलता है अच्छे पैसे कमाने का और नेशनल टीम के सिलेक्शन के लिए खुद को वर्दी प्रूव करने का। मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट को टॉप करते हैं आवेश खान, जिन्हें 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदा था। आप खुद सोचिए, एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी जो अब तक साल के कुछ लाख रुपए कमाता था, वो अब सीधा 10 करोड़ रुपए IPL से कमाता है। ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है और इसका फायदा कई प्लेयर्स को हुआ है। इसी तरह क्रुणाल पांड्या को भी मुंबई इंडियंस ने 2018 में 8.8 करोड़ रुपीज देकर अपनी टीम में लिया था। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहां IPL ने इंडिया के डोमेस्टिक लीग के प्लेयर्स को बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए, जहां से इन प्लेयर्स की पूरी जिंदगी बदल गई। इनमें से कई तो आज इंडियन टीम के सुपरस्टार्स बनने के पात पर भी हैं। एंड में अगर देखें कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने IPL के सभी सीजन्स के मिलाकर अब तक सबसे ज्यादा अर्निंग्स करी हैं, तो वो आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने अब तक 16 सीजन्स में पार्टिसिपेट करके 178 करोड़ रुपीस की इनकम अपने IPL कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट करी है। इनके बाद MS धोनी, जिन्होंने 176 करोड़ कमाए हैं, और फिर 173 करोड़ के साथ हैं विराट कोहली। नंबर 3, एड्स एंड एंडोर्समेंट्स। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर कैसे इंडिया में बस 150 साल पहले आया एक गेम इंडिया के बाकी दूसरे सारे स्पोर्ट्स से बड़ा बन गया। क्रिकेट की इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का रीजन भी क्रिकेट में ही छुपा है। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम की शीट को देखिए, इसमें नजर आ रहा है कि कैसे अलग अलग प्लेयर्स को मैच फीस के 600 रुपये, 1500 रुपये और 2100 रुपये मिल रहे थे। अब अगर इसे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट भी करें तो भी ये 15,000 से 20,000 रुपये ही बनते हैं। वहीं आज क्रिकेट का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि अब इंडिया के सुपरस्टार प्लेयर्स विराट कोहली को उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। ये जो लाखों करोड़ों रुपयों का अंतर है, इसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके भी नहीं छुपाया जा सकता, और यही क्रिकेट के फाइनेंसेस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का रीजन भी है। 90s में जब क्रिकेट ने ग्रो करना शुरू किया, तब इंडिया में साथ साथ में TV भी ग्रो कर रहा था, और यही वो पॉइंट था जब इन दोनों के बीच लिंक बने वीडियो एड्स। पॉपुलर क्रिकेटर्स को एड्स मिलने लगे और वो भी ज्यादा पॉपुलर होने लगे, और आज की तारीख में सब इतना आगे बढ़ चुका है कि कुछ क्रिकेटर्स अपनी बोर्ड सैलरी और फ्रेंचाइजी सैलरी से ज्यादा इनकम एडवर्टीजमेंट्स के जरिए जनरेट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं ऋषभ पंत का, जो पूरे 2023 के सीजन में अपने कार क्रैश की वजह से क्रिकेट से दूर रहे। 2022 में जब उनके साथ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हुई, तब से वो मैदान पर वापसी नहीं कर पाए हैं, लेकिन BCCI ने उन्हें अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में बनाए रखा, जहां से उन्हें 2023 में 5 करोड़ रुपए मिले। उनकी फ्रेंचाइजी ने भी उन्हें रिटेन करके रखा, जिस कारण उन्हें वहां से पिछले एक साल में मिले करीब 16 करोड़ रुपए। ये सिंपली 21 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक साल में एक भी मैच ना खेलने के बावजूद आज भी
ऋषभ पंत को एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, जिसे उन्हें मिलने वाला है HDFC का लाइफ इंश्योरेंस का एड, जिसके लिए ऋषभ पंत ने करीब 5 करोड़ रुपए चार्ज करे। इसके अलावा ऋषभ पंत बोट, रियलमी, नॉइज और JSW स्टील जैसी 10 बड़ी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जहां से भी इन सभी ब्रांड से वो करीब 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो सिर्फ अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट से ही 2023 में ऋषभ पंत ने करीब 50 करोड़ रुपए की अर्निंग्स करी, जो उनकी क्रिकेट अर्निंग से काफी ज्यादा है। अभी क्रिकेट के स्फीयर में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है विराट कोहली की, जहां वो अपने ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं। तो इन दी एंड यही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि क्रिकेटर्स जब अपने करियर्स के पीक पर होते हैं तो इन 3 इनकम सोर्सेज से ही अपनी ज्यादातर अर्निंग्स करते हैं। लेकिन क्रिकेट करियर के बाद का क्या? देखो, जब एक क्रिकेटर रिटायर होता है तो उस प्लेयर के सभी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी इनकम नहीं आती। साथ ही जब IPL से भी रिटायरमेंट हो जाती है तो IPL की इनकम भी खत्म हो जाती है। फिर जब ये प्लेयर क्रिकेट खेलता हुआ नहीं दिखता तो उसकी ब्रांड वैल्यू भी कम होती जाती है, और कुछ समय बाद ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी आनी बंद हो जाती हैं। ऐसे में प्लेयर की एज अभी 40 भी नहीं हुई होती, लेकिन पिछले 3 इनकम सोर्सेज से आने वाली इनकम अब 0 हो जाती है। एक एथलीट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, और इसीलिए पिक्चर में आती हैं क्रिकेटर्स की 4th इनकम सोर्स। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट्स। एक क्रिकेटर ने अपने करियर में जितने भी पैसे कमाए होते हैं वो उसका कुछ परसेंट अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए डालता रहता है, जो आगे चलकर उसकी ओनली सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम करेगी। अब इन्वेस्टमेंट्स भी 2 तरह की होती हैं, पहली होती हैं फुली ओन्ड और दूसरी होती हैं शेयर होल्डिंग के पैटर्न पर। फुली ओन्ड में सबसे पहले आती हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। सभी बड़े क्रिकेटर्स अपने पैसे को रियल एस्टेट जैसी कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट्स में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट को एक सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसमें MS धोनी का 100 करोड़ से ज्यादा का रांची का फार्म हाउस है, फिर विराट कोहली का गुड़गांव का 80 करोड़ का विला, रोहित शर्मा का 30 करोड़ का बॉम्बे में फ्लैट, और रविचंद्रन अश्विन की तो दुनिया के कई देशों में रियल एस्टेट है। इसके अलावा क्रिकेटर्स के कई फुली ओन्ड बिजनेसेस भी हैं, जैसे विराट कोहली का रॉन्ग और 1/8 ब्रांड, सचिन तेंदुलकर का ट्रू ब्लू और MSD का 7। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग कई क्रिकेट स्कूल्स को ओन करते हैं, जहां पर फ्यूचर क्रिकेटर्स को ट्रेन किया जाता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग के जरिए की गई इन्वेस्टमेंट्स की। यहां पर क्रिकेटर्स ज्यादा रिस्क लेते हैं। जैसे अगर बात करें विराट कोहली की, तो उन्होंने रेज कॉफी कंपनी में एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन्वेस्ट की है, जिससे इस नए बिजनेस को काफी ग्रोथ मिली। इसके अलावा अश्विन के एग्जाम्पल को भी देखा जा सकता है, जहां उन्होंने फ्री बोलर नाम की एक बोलिंग मशीन बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया। अगर MS धोनी की बात करें तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो शायद सबसे बड़ा है। इस पब्लिश्ड आर्टिकल के अकॉर्डिंग MS धोनी पिछले 3.5 सालों से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और हर राउंड में कंपनीज को ऑन एन एवरेज 75 करोड़ रुपीज की फंडिंग्स दे देते हैं। इन कुछ कंपनीज में खाता बुक, Cars24, गरुड़ एरोस्पेस, रांची रेस और माही होटल जैसी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स आज की डेट में देखी जाएं तो क्रिकेटर्स की लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती, ये उनकी अर्निंग का 1% से भी कम है। लेकिन इन सभी इन्वेस्टमेंट्स को किया गया है फ्यूचर को ध्यान में रखकर। फ्यूचर में जब इन प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी और लाइकेबिलिटी कम होने लगेगी या फिर शायद खत्म हो जाएगी, तब इनकी ओनली सोर्स ऑफ इनकम का काम करेंगी यही इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों, यही थे वो 4 तरीके जिनसे क्रिकेटर्स अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा है जो मिस कर दिया है तो मुझे उसके बारे में कमेंट्स में बताना, मैं उन कमेंट्स को जरूर पढ़ूंगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहूंगा। धन्यवाद।